बॉलीवुड एक्टर फराज खान परेब और मेहंदी जैसी फिल्मों में लीड एक्टर रहे फराज खान। आज अपने इस वीडियो में मैं करूंगी उनसे जुड़ी कुछ बातें और बताऊंगी आपको उनसे जुड़े कुछ सुने अनसुने सच। तो आइए देखते हैं। फराज का जन्म 11 जुलाई 1974 में हुआ था। फराज के पिता रहे मशहूर एक्टर यूसुफ खान। 70 से 80 के दशक में उन्होंने कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था, जैसे मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, जमाने को दिखाना है और धर्मात्मा और भी कई बड़ी फिल्में। उन्होंने अपने समय के हर बड़े स्टार के साथ काम किया, फिर चाहे वह अमिताभ बच्चन रहे हों, विनोद खन्ना रहे हों या कि फिरोज खान। 1984 में यानी कि फराज जब महज 10 साल के थे तब यूसुफ का देहांत हो गया। 90 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री ली थी कुछ नए हीरोज ने, जिन्होंने अपने क्यूट लुक्स से लड़कियों को अपना दीवाना बना रखा था। फराज भी उन्हीं में से एक थे। फराज का बॉलीवुड डेब्यू हुआ सन 1996 में आई फिल्म फरेब से। फरेब विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित थी। फराज के साथ इस फिल्म में थे मिलिंद गुनाजी, सुमन रंगनाथम, विश्वजीत प्रधान और कुनिका लाल जैसे सितारे। इन सभी के अभिनय को काफी पसंद किया गया। फरेब बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फरेब के हिट होने का एक और बड़ा कारण ये था कि उस फिल्म का म्यूजिक उस समय काफी लोकप्रिय हुआ और आज भी लोकप्रिय है। तेरी आंखें झुकी झुकी, यार का मिलना, आंखों से दिल में उतर के, ओ हम सफर जैसे सॉन्ग्स लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं। लोग फराज की डेब्यू फिल्म फरेब को मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फरेब फराज की डेब्यू फिल्म नहीं होने वाली थी। उनकी डेब्यू फिल्म कोई और थी और उनकी डेब्यू फिल्म से रिलेटेड किस्सा भी कुछ अजीब रहा। अब मैं आपको बताऊंगी फराज खान के फिल्म डेब्यू से जुड़ा वो किस्सा, जिसे सुनने के बाद आप ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया, सन 1989 में रिलीज मैंने प्यार किया, जिसने सलमान खान को सुपरस्टार बना दिया। सलमान खान की हीरोइन रही भाग्यश्री, दोनों की केमिस्ट्री को लोग आज भी पसंद करते हैं। लेकिन पहले ये फिल्म सलमान खान नहीं फराज खान करने वाले थे। सही सुना आपने, पहले ये फिल्म फराज खान करने वाले थे। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत से पहले फराज खान इतने बीमार पड़ गए कि उन्हें ये फिल्म छोड़ देनी पड़ी। अगर मैंने प्यार किया में फराज ने अभिनय किया होता तो आज शायद उनका करियर किसी और ही ऊंचाई पर होता और हमें सलमान खान जैसा सुपरस्टार नहीं मिलता। इस किस्से को सुनने के बाद हम ये कहने को मजबूर हो जाते हैं कि जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है उसे वही मिलता है। यदि किस्मत को मंजूर होता तो शायद फराज का करियर आज कहीं और ही होता। फरेब के बाद फराज नजर आए मेहंदी, पृथ्वी और दुल्हन बनू में तेरी जैसी फिल्मों में। पृथ्वी में जहां उनके साथ थे शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी जैसे सितारे, तो वहीं सन 1998 में आई फिल्म मेहंदी में उनके पेयर में थी रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी आगे चलकर बेहद लोकप्रिय अभिनेत्री बनी और इस फिल्म में फराज ने एज विलन काम किया था। यदि आज फराज को मेहंदी के लिए याद किया जाता है तो वह सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके साथ रानी मुखर्जी थी। इसके बाद दुल्हन बनू में तेरी में फराज के साथ पेयर किया दीप्ति भटनागर ने और ये फिल्म राज कपूर की क्लासिकल हिट रही राम तेरी गंगा मैली का रीमेक थी, जिसमें फराज के अभिनय को काफी पसंद किया गया। इसके बाद फराज कई छोटी बड़ी फिल्मों में नजर आए, जैसे दिल ने फरियाद किया, चांद बुझ गया और मार्केट। ये फिल्में ज़्यादा हिट ना हो पाए। इसके बाद साल 2002 में फराज ने टेलीविजन यानी के छोटे पर्दे की तरफ रुख किया और सोनी टीवी पर आए 37 साल बाद अचानक जैसे टीवी शो में उन्होंने अपना टेलीविजन डेब्यू किया। उसके बाद सिंदूर तेरे नाम का, करीना करीना और रात होने को है जैसे टीवी शोज में भी वो नजर आए। तो ये थी फराज खान के छोटे से फिल्मी सफ़र की कहानी, जिसमें उन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे और दर्शकों के मध्य इसी छोटे से फिल्मी सफ़र के कारण वे आज भी लोकप्रिय हैं। उनके बारे में इतनी सारी बातें जानने के बाद हम तो यही कहेंगे कि वे दर्शकों के मध्य एक बार फिर एक्टिंग में लौटें।
तो कैसी लगी आपको फराज खान से जुड़ी ये जानकारी? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।